हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोडैक्टिल 2। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आखिर क्या है इस पर्सन के दिल में जो बेसिकली किसी से बता नहीं रहे हैं, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बस दिल ही दिल में इन्होंने बात को रख रखा है। तो वही बात देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स इस पर्सन की। याद आपको इतना ज़रूर से रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको डेफिनेटली अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और बावजूद उसके आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, ऐसा वो कुछ सोच ही नहीं सकते, तो ऐसा ही होगा। लेकिन आपको बेकार के कमेंट्स यहाँ पर नहीं करने हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं आके व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है, गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। ब्रोकन हार्ट, एंजाइटी, द थिंकिंग वुमन, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए आपके क्या है इस पर्सन के दिल में, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। टू टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है फोर्थ चक्का आर्कएंजल रेफ्यू। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है, उनको लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। दो तीन कार्ड्स आए हैं आपके, कंप्लीटेशंस एंड साइलेंस, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। रीबर्थ, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर गाइड कीजिए। चंद्र ग्रह, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द ट्री। ओके, तो देखिए सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पर मुझे मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जीज दिख रही हैं वो एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है। एरीज की एनर्जी है एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो मेजॉरिटी लेवल पे यही एनर्जीज हैं। उसके अलग मुझे आप लोगों के लिए नंबर 6 यानी कि जून मंथ भी बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप मिले थे इन मंथ्स में, आप बिछड़े थे इन मंथ्स में, तो इस तरह के से करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। 6 साल का रिश्ता है, 6 महीने से आप लोगों के बीच में काफ़ी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, काफ़ी शोर इस कनेक्शन में आ चुका है। इसके अलग यहाँ पर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रही है। चाहे ये कनेक्शन शुरुआती तौर पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था या फिर अब आप लोगों के बीच में फिजिकली दूरियां काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, तो ये भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस में भी दिखाई दे रहे हो, ये भी काफ़ी क्लियरली है। ये देखिए, मुझे आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है, यानी कि इस पर्सन के जो दिल में है, डेफिनेटली उस मामले में इस पर्सन ने अपने आप को पूरी तरह से खामोश कर रखा है, एकदम शांत कर रखा है, एकदम
सीक्रेटिव एनर्जी में ये पर्सन रह रहे हैं, जो भी इन्होंने दिल में रख रखा है आपको लेकर। और मुझे यहाँ पर साथ में ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जैसे सोचने की बीमारी हो इस पर्सन को, हद से ज़्यादा सोचते हैं। और इसी हद से ज़्यादा सोचने के चक्कर में ना ये पर्सन बाल की खाल निकालते हैं, छोटी सी राई का पहाड़ बनाते हैं, या छोटी सी कोई भी बात हुई ना तो उस बात को एकदम टावर मोमेंट में क्रिएट करने में भी इस पर्सन को देरी नहीं लगती। और इन सब के पीछे की वजह है इस पर्सन का ओवर थिंकिंग करना, हद से ज़्यादा सोचना और उसको दिल से लगा लेना, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। सवाल जैसे कि रीडिंग का है कि दिल में है क्या, दिल में आप हो, आपका प्यार है, आपके साथ जो भी इनका कनेक्शन वो है इनके दिल में। और इनफैक्ट आपके साथ के कनेक्शन के बिना इनके दिल में ये चीज़ें भी हैं कि ये अधूरे हैं, इनकी लाइफ में कोई मोटिव नहीं है, इनके लाइफ में इनके जीने का कोई मकसद नहीं है, या इनके लाइफ में इनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनकी परवाह करे। जो केयरिंग जैसी एनर्जीज इन्हें महसूस होती थी, जो घर जैसा इन्हें महसूस होता था, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, आपसे बात करके या आपके साथ रहकर, जैसे भी आप लोगों का कनेक्शन था। तो दिल में इनके ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन अगर अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे, अगर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपने इसी दिल को हील कर पाएंगे, तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, या आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है उसके साथ, या जो भी इन्होंने आपके साथ सपने देखे हैं ना, वो सपने पूरे होने के बाद ही इनके वो जो इन्हें जो वो हीलिंग जैसी वाइब्रेशंस फील होगी वो आप ही के साथ होगी। वरना आपके बिना ऊपर से ये पत्थर हैं और अंदर से पूरी तरह से पिघल गए हैं, पूरी तरह से परेशान हैं, तो वो इनके दिल में है। इस चीज़ को ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं कि कैसे ये हील होंगे, कैसे ये खुश हो पाएंगे, कैसे ये अपने आप को प्रोटेक्ट हुआ हुआ फील कर पाएंगे। इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि जब भी आपकी बाहों में आते हैं, या जैसे बाहों में आ गए आपके, उस तरह का महसूस भी करते हैं ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपने ना इन्हें बचा लिया, आपने इन्हें प्रोटेक्ट कर लिया, या आपने इन्हें अपनी बाहों में लेकर इन्हें वो परवाह दी, वो केयर दी, वो प्यार दिया जो इन्हें एक्चुअली में किसी से नहीं मिला है। आपका जो प्यार था वो इनके लिए इस कदर वैल्यूएबल था, उस चीज़ को ये पर्सन समझते हैं दिल ही दिल में। और जब आपके आपका साथ नहीं है, आपका प्यार इनकी ज़िंदगी में नहीं है, तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। यानी कि एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अगर आप साथ हो तो सब चीज़ें सही हैं, और अगर आप साथ नहीं हो तो वो दिल भी इनका टूटा हुआ है, दिल में किसी और के लिए जगह भी नहीं है, आपके सिवा उस दिल में कोई और रह भी नहीं सकता या सकती। तो वो चीज़ें मुझे इस पर्सन की काफ़ी क्लियरली दिख रही है। इस पर्सन ने अपने दिल को पूरी तरह से ब्लॉक करके रख रखा है, पूरी तरह से अपने आप को तोड़ रखा है इस पर्सन ने, ये काफ़ी क्लियरली है। यहाँ पर काफ़ी लोगों के केस में तो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशंस दिखाई दे रही है, यानी कि बिल्कुल खामोशी आप लोगों के कनेक्शन में छाई हुई है। और जो भी खामोशी छाई हुई है ना इस कनेक्शन में, चाहे आपकी साइड से हो या इनकी साइड से हो, दोनों ही सूरतों में ये पर्सन एंजाइटी को फेस कर रहे हैं। दोनों ही सूरतों में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा, ठीक है। यानी कि जब ये रिश्ता ख़त्म हो गया, रिश्ते में अगर कोई उम्मीद नहीं है, तो मेरे जीने की भी अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तो वो चीज़ें इनके दिल में है। इस कनेक्शन को डेफिनेटली ये पर्सन रीबर्थ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन में ये पर्सन कुछ आगे अब चाहते ही नहीं है, इस कनेक्शन को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा। डेफिनेटली ये पर्सन इस कनेक्शन को रीबर्थ तो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं, या करने के लिए इन्हें रास्ते नहीं मिल रहे हैं, मौके नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए इस पर्सन को एंजाइटी हो रही है।
जैसे होता है ना कि जो चाहते हैं वो इन्हें नहीं मिल रहा, जो इनकी इच्छाएं हैं, जो इनके सपने हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन एंजाइटी की तरफ अपने आप को धकेल रहे हैं या एंजाइटी की तरफ ये खुद से जा रहे हैं, तो वो मुझे काफ़ी क्लियरली दिखा। देखो आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा मेजर हुआ है, मेजर तौर पर हुआ है जो इस पर्सन को तोड़ गया है, चाहे फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्यों ना हो, चाहे कोई और एनर्जी का ही इन्वॉल्वमेंट क्यों ना हो, लेकिन जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है ना वो सब कुछ बिखेर कर रख दिया, इस कनेक्शन को तोड़ गया, इन सपनों को तोड़ गया है, तो वो चीज़ें भी इनके दिल में हैं। ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है और क्लैरिफाई करेंगे तो आइडिया होता रहेगा कि आखिर दिल में क्या है, क्योंकि दिल में पेन नज़र आ रहा है, दिल में तकलीफ इनके नज़र आ रही है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि और क्या है व्यूअर्स के पर्सन के दिल में। रिवर्स में भी कार्ड्स पड़े जाएंगे क्योंकि ये डेक दोनों ही साइड से होते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और क्या है इस कनेक्शन को लेकर। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस कनेक्शन को लेकर क्या है। गाइड कीजिए, बताइए केयरिंग कनेक्शन को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ कप्स अपराइट में कैंसर पाइसिस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो बेसिकली आप लोगों के कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें इस पर्सन को जब इस कनेक्शन के लिए कुछ वर्क करना था, ध्यान देना था इस कनेक्शन में, तब इस कनेक्शन पर ध्यान देने की बजाय इस पर्सन ने इस कनेक्शन से मुंह फेरा था। ठीक है, यानी कि इस पर्सन ने इस कनेक्शन पर उतना ध्यान नहीं दिया, आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आप इनसे क्या चाह रहे हो क्या नहीं चाह रहे हो उन चीज़ों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, यानी कि आप तो इस कनेक्शन की परवाह करते रहे, इसमें पूरी अपनी भागीदारी निभाई, अपना पूरा रोल प्ले करा, लेकिन इस पर्सन का ध्यान यहाँ पर किसी और ही धुन में रहा है। और मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब इस पर्सन के दिल में ना वही चीज़ का अफसोस है, उसी चीज़ की निराशा है कि इन्होंने इस कनेक्शन को क्यों नहीं देखा, इन्होंने इस प्यारे से कनेक्शन को जिसमें आपकी तरफ से जब परवाह हो रही थी तो इन्होंने उस परवाह को देखकर क्यों अनदेखा करा, उस चीज़ का अफसोस इनके मन में है। और जब भी ये पर्सन इस कनेक्शन को देखते हैं ना तो इन्हें इसी चीज़ की एंजाइटी होती है कि ये रिश्ते का डेथ हुआ कैसे, इस रिश्ते का अंत हुआ कैसे, तो वो चीज़ें इस पर्सन को बेसिकली गिल्ट में पहुंचा रही हैं, वो चीज़ें इस पर्सन को अफसोस में पहुंचा रही हैं, ये काफ़ी क्लियरली मुझे दिख रहा है। ब्रोकन हार्ट के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। लवर्स की एनर्जी फिर से आई है, नंबर 6 यानी कि जून मंथ मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। इस पर्सन के दिल में आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है ना उसके लिए प्योर इंटेंशन मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, यानी कि ये इस कनेक्शन में आप ही के साथ पूरा होना चाह रहे हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन नहीं टूटा है, ठीक है, इनका दिल टूट गया है इन चीज़ों से, जिसमें एक इस दिल का एक हिस्सा आपके पास है और एक हिस्सा इनके पास है, तो इन्हें ऐसा महसूस होता है दिल ही दिल में, लेकिन फिर भी ये पर्सन खामोश हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा मेजर रूप में हुआ है जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन को ना इतना सब चीज़ें फील होने के बाद भी चुप रहना पड़ रहा है या ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे इस चीज़ को, लेकिन जो भी अभी तक इस कनेक्शन में हुआ है या होता आ रहा है उन सभी चीज़ों के लिए इस पर्सन के दिल में है गिल्ट, उन सभी चीज़ों के लिए इस पर्सन के दिल में है अफसोस कि इन्होंने इस प्यारे से खूबसूरत से कनेक्शन को तोड़ दिया। ठीक है, या इस पर जब ये टूटने की कगार पे था तो इन्होंने इस कनेक्शन पर ध्यान नहीं दिया, तो वो चीज़ें तो डेफिनेटली इस पर्सन के दिल में हैं। एंजाइटी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए एंजाइटी के मामले में इस पर्सन के दिल में क्या है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। एंजाइटी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। सन इन रिवर्स, बेसिकली आपके पर्सन की यहाँ पर इस कदर मिसिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है कि बिना इस कनेक्शन के इनका जैसे खुश रहने का भी दिल नहीं करता, ये बिल्कुल भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पा रहे हैं। बाहरी तौर पर अगर रह रहे हैं तो वो खुशी में खुशी नहीं है, ये चीज़ें ये खुद भी महसूस कर रहे हैं और आप भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं अच्छे से समझ रहे होंगे या समझ पाते होंगे कि किसी और को खुश रहकर दिखाना या किसी और के लिए खुश रहना उसमें वो खुशी नहीं है। खुश रहना है तो
उस इंसान के साथ रहो जिसके साथ तुम्हें अच्छा लगता है। तो बिना आपके डेफिनेटली पर्सन एंजाइटी को फेस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इन्होंने बंद कर रखा है, अपने दिल को इन्होंने पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है इस सोच के साथ कि जैसे ये दिल किसी और का है ही नहीं, इस दिल में कोई और रह ही नहीं सकता या सकती। इस दिल में अगर कोई रहेगा तो आप रहोगे और आपने अपनी ऑलरेडी इस दिल में जगह बना ली है, तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं कि इन्होंने अपने दिल में एक जगह दे रखी है, वो हो आप। भले आपके साथ रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, लेकिन उस दिल में क्योंकि आप हो तो वही चीज़ ना इन्हें अभी भी उम्मीद दे रही है, उस उम्मीद के सहारे ये जी पा रहे हैं कि इस कनेक्शन का वापस से रिबर्थ होगा, कुछ तो मिरेकल होगा, तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं। ठीक है, द टावर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इसके पीछे का राज क्या है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। द हेरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखो बेसिकली आप लोगों के बीच में जो टावर मोमेंट आने की वजह है उसके पीछे है ट्रेडिशंस, कास्ट, परंपराएं, बड़ा छोटा, स्टेटस, ये सब मुझे आप लोगों के बीच के दूरियों की वजह दिखाई दे रही है। ठीक है, और बेसिकली आपके पर्सन ने इन वजहों को मान तो लिया, इन वजहों के हिसाब से ये चल तो दिए हैं, लेकिन ये पर्सन अब अपना सर पकड़े बैठे हैं क्योंकि इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये इस डिसीज़न पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे खुशी खुशी, जो डिसीज़न इन्होंने पास्ट में ले लिया था। तो यहाँ पर जो बेसिकली आप लोगों के बीच के सेपरेशन की दूरियों की वजह है ना, या इस टावर मोमेंट की वजह आई है, वो इस पर्सन की साइड से आई है, क्योंकि इन्हें यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का है कि इन्होंने किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, तो इनके दिल में वो अफसोस है, वो पछतावा है जो इन्होंने कर लिया, जो इन्होंने फैसला ले लिया। और इन्होंने शुरुआती तौर पे तो एक जुनून के साथ, एक जोश के साथ या अपनी जिम्मेदारियों की वजह से उस डिसीज़न को ले तो लिया, लेकिन अब ये पर्सन उस डिसीज़न पर ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाएंगे, इस चीज़ को लेकर ये पर्सन ज़्यादा सोचते हैं, तो वो मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। फाइव यानी कि मई मंथ मुझे बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से रिलेट करता होगा, जैसे इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, मिले 3 मंथ्स में, बिछड़े 3 मंथ्स में, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में अब क्या है, गाइड कीजिए, बताइए। जस्टिस इन रिवर्स लिब्रा की एनर्जी है और बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, तो बेसिकली इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि ये ना अपने प्यार के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ कर नहीं पाए, इस कनेक्शन को ये पर्सन न्याय नहीं दिला पाए, आपको न्याय नहीं दिला पाए, तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं, अपने प्यार को ये न्याय नहीं दिला पाए, और ये चीज़ें ना इस पर्सन को दर्द दे रही हैं या अंदर ही अंदर इन्हें कचोट रही हैं, वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने अपने परिवार के इन्फ्लुएंस में आकर, परिवार के सोच के आगे अपने घुटने तो इन्होंने टेक दिए, उनके प्रति अपनी ईमानदारी तो निभा ली, लेकिन इन्हें ऐसा दिल ही दिल में फील होता है कि ये दिल के मामले में सबसे ज़्यादा हार गए हैं, दिल के मामले में इन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है, जो ये किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के सेपरेशन के पीछे की जो वजह है, जो रीज़न है, वो इनका खुद का परिवार है, जिसके आगे इन्होंने खुद से घुटने टेके हैं, या जिसके लिए इन्होंने अपनी ईमानदारी, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए इन्होंने अपने प्यार को सेक्रीफाइस करा है, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करा है। इनके मन में ये चीज़ें हैं या दिल में ये चीज़ें हैं कि ये बिना आपके डेफिनेटली मरे के बराबर हैं, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए या अपनी खुशी को जैसे कुर्बान कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिल ही दिल में समझ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मुझे कुछ लोगों के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस पर्सन ने ना अपनी परिवार के इन्फ्लुएंस में आकर उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इन्होंने मैरिज भी कर लियो। ठीक है, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर इन्होंने किसी और को कमिटमेंट दे दिया है अपने परिवार के इन्फ्लुएंस में आकर, तो कुछ लोगों के केस में मुझे ये भी
दिख रहा है। और इन्होंने परिवार के इन्फ्लुएंस में आकर ये सब चीज़ें कर तो ली हैं, प्रेशर में आकर ये सब चीज़ें कर तो ली हैं या कर तो रहे हैं, लेकिन सभी सूरतों में इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सपने मुझसे दूर हो गए हैं, मेरे सपने मुझसे दूर जा रहे हैं, आप इनसे दूर जा रहे हो, सब कुछ इनके हाथों से छूटता जा रहा है और ये पूरी तरह से अब खाली हो गए हैं, कंगाल हो गए हैं। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं बहुत ज़्यादा, तो ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। दिल ही दिल में गाइड कीजिए, और क्या है इनके दिल में गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। बेसिकली अब इनके दिल में ये चीजें हैं कि इन्होंने ना जल्द कर दी जो फैसला लिया है, जिस पर अब इन्हें अफसोस भी होता है, इन्होंने बहुत जल्द कर दी फैसला लेने में, इन्होंने वेट नहीं करा या सही एक्शन नहीं लिया, सही चॉइस इन्होंने नहीं ली, तो वो चीज़ें इनके दिल में अब बहुत ज़्यादा चलती हैं। यानी कि एक अफसोस इनके दिल में है इस चीज़ का कि इन्होंने बहुत चीज़ें ना जल्दी में आकर ख़राब करी हैं। इनके दिल में ना अब ये चीज़ें हैं कि अब इनके लिए यही सही है कि ये एक स्टेप पीछे रखें वापस से और अपने आप को अकेला कर लें। जैसे इन्होंने अपने आप को आइसोलेट एनर्जी में कर भी रखा है कहीं ना कहीं, तो ये पर्सन जो अब चुप है ना, बिल्कुल भी बोल नहीं रहे हैं, खामोश, एकदम साइलेंट मोड पर हैं, वो इसी रीज़न की वजह से है कि इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि अब इन्हें ना अकेले रहना चाहिए, इन्हें अपने आप को वक्त देना चाहिए कि ये क्या चाहते हैं, क्या यही ये चाहते थे, क्या इन सब चीज़ों से ये खुश हैं, क्या यहाँ पर ये पर्सन ऐसे ही घुट घुट कर जिएंगे, या फिर इस पर्सन को फिर से अपने आप के लिए कुछ करना चाहिए या करने की सोचनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें इनके मन ही मन में, इनके दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा चलती हैं और इसीलिए ये पर्सन ना चुप है, एकदम खामोश है। बेसिकली यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को वजह नहीं पता है इस पर्सन के सेपरेट होने के पीछे, इस पर्सन के आपसे सेपरेट होने के पीछे की। और ये आपसे जैसे दिल ही दिल में ये कहना भी चाहते हो कि यार तुम नहीं समझोगे, ठीक है, कि क्या मेरी लाइफ में हुआ या क्या मुझ पर गुजर रही है या क्या उस वक्त पे मेरे पे गुजरी थी, तो ये सब चीज़ें तुम नहीं समझोगे, तुम मेरी ज़िंदगी में जैसे ब्लेसिंग्स के तौर पर आए थे और वो ब्लेसिंग्स मुझसे छिन गई है, तो वो चीज़ें ना इनके दिल में चलती हैं। और साथ में ये भी चलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ना किसी भी इंसान से यूं ही नहीं मिल जाते, हमारा मिलने के पीछे का कोई मकसद होता है, तो वो चीज़ें भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। यानी कि जैसे आपके साथ इनका कोई तो कनेक्शन है, ठीक है, उस चीज़ को ये पर्सन जैसे महसूस करना चाह रहे हो कि ऐसे ही तो नहीं मिल गए हम लोग किसी रीज़न की वजह से तो बंधे हुए हैं, और वो कनेक्शन है ट्विन फ्लेम का या सोलमेट का, या सोल लेवल तक आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं। इनके मन में ये चीज़ें भी हैं कि भले हम लोग एक सोल के दो पार्ट हैं, भले हम लोगों का दिल एक है, लेकिन यहाँ पर जैसे आप इस लाइफ में जो जी रहे हो, इस लाइफ में हम लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं है, हम लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन इक्वालिटी नहीं है, वो भी दुनिया की नज़रों में, स्पेशली इनके परिवार वालों की नज़रों में। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप लोगों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, या तो ये बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से हैं, कास्ट ट्रेडिशंस परंपरा इन सब चीज़ों को बहुत माना जाता है वहाँ पे, या फिर आप लोगों के बीच में एक मैरिड है, एक अनमैरिड, स्टेटस गैप, तो वो चीज़ें भी इनके दिल में हैं कि ये दुनिया के हिसाब से अगर हमें चलना है तो हमें सिमिलैरिटीज़ नहीं इक्वालिटीज़ को देखना पड़ रहा है, जो चीज़ें इन्हें हर्ट कर रही हैं, इन्हें एनजाइटी दे रही हैं। तो ये आपसे जैसे कहना चाह रही हूँ ये बात इनके दिल ही दिल में इन्हें परेशान कर रही हैं। ये पर्सन आपसे जैसे कहना चाह रहे हो कि जितने वक्त भी तुम मेरे साथ रहे वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत वक्त था, जिसके लिए मैं तुम्हें हमेशा थैंक्स बोलना चाहूँगा या चाहूँगी। और जैसे अब आपसे कहना चाह रहे हो कि जो भी अब इस कनेक्शन में हुआ, लेकिन आप इनके साथ बने रहो, चाहे एक दोस्त बनकर ही रहो लेकिन आप इनके साथ बने रहो, अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो ये पर्सन कहीं ना कहीं शायद पॉसिबिलिटी आपसे कहते भी हो कि अगर आप दोस्त बनकर रह सकते हो इनके साथ तो इस कनेक्शन को निभा लेंगे, उससे ज़्यादा ही आपके लिए ये
कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। या फिर अगर आप मैरिड हैं तो इस कनेक्शन में ये पर्सन वो बॉन्डिंग देखना चाह रहे हैं जो एक दोस्त में होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिल ही दिल में महसूस कर रहे हैं। चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं कि आपसे कहना क्या चाहते हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाहते हैं ये पर्सन, गाइड कीजिए। कर्मा इज अ बिच, आई फाइनली गॉट माइन। तो इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि जो इन्होंने करा आपके साथ डेफिनेटली वो गलत करा है, उसका कर्मा इनके सामने डेफिनेटली आएगा। शायद ये वो रिसीव कर रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून नहीं है, दिल टूटा हुआ है, अधूरापन है, तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, कहना चाह रहे हैं आपसे दिल ही दिल में कि आपके साथ जो बॉन्डिंग इन्होंने महसूस करी है ना, वो किसी के साथ ना तो करी और ना पहले कर पाए हैं आपके आने से पहले। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो मैंने तुम्हारे साथ करा उन सब चीज़ों के बाद भी बस मैं अभी भी यही चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यू आर सो सेक्सी, तुम बहुत अच्छे हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक, यू लाइट अप माई लाइफ, तुमने मेरी ज़िंदगी में रोशनी भरी, खुशियाँ भरी जो अब नहीं है इनके लाइफ में, तो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं। तो देखो, आप मानो या ना मानो, तकलीफ में ये पर्सन है, परेशान ये पर्सन है, दिल से ये पर्सन डेफिनेटली परेशान है। चलिए मूनोलॉजी से देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए इस कनेक्शन के बारे में, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। इमोशंस आर रनिंग हाई, देखो ये पर्सन डेफिनेटली इमोशनली लेवल पे आपसे ही जुड़े हुए हैं, और ऐसा ही यूनिवर्स और डिवाइन भी कहना चाह रही है कि भले फिजिकली ये पर्सन किसी के भी साथ हैं, कितने भी अपने कर्तव्यों को क्यों नहीं निभा रहे हैं, लेकिन जो प्यार इनके दिल में आपके लिए है या जो आपने इनके दिल में जगह बना ली है ना, वो जगह ये किसी को ना तो दे पाएंगे और ना दे पा रहे हैं, और वही इनका कर्मा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, आपसे एक गाइडेंस के तौर पर कहा जा रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ ना आपकी, आप उसे पकड़े मत बैठे रहो, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बजाय उसे पकड़े रहने के उम्मीद करो कि मेरी जिंदगी में एक बदलाव जरूर से आएगा, और जो भी बदलाव आएगा वो मेरे सपनों को प्रैक्टिकली वे में मेरे सामने लेकर ही आएगा, तो ऐसी उम्मीद करो आप, ठीक है। यानी कि जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव सोचकर क्या फ़ायदा, जब उस नेगेटिविटी को चाहते ही नहीं हो, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिविटी आएगी, तो ऐसा आपसे मोनोलॉजी के माध्यम से एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि इनके दिल में क्या है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।